Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. अहंकार और गुस्से में लिए हुए फैसले से क्या शर्मिंदा है खंडेराव? नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंगरी स्पिरिट्स में। हंगरी स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूँ। खंडेराव वाड़े में चुपचाप बिना किसी को बताए पिछले दरवाजे से अंदर आते हैं, क्योंकि उनके कानों में जो अहिल्या देवी के जय जयकार के स्लोगन है वो बर्दाश्त नहीं हो रहे हैं। जबकि वो चाहते हैं कि मैं खुश रहूं, मगर नेचर नहीं खुश होने दे रही है। जाते हैं मलेरा से मिलते हैं, अपने बेटे से मिलते हैं, बेटे को पूछते हैं कि तुम क्यों नहीं गए अपनी आई के जश्न में, तो बेटा उल्टा उन्हीं से सवाल करता है। जैसे ही वो सवाल करता है वैसे ही खंडेराव के चेहरे पे शर्मिंदगी दिखाई देती है। दोस्तों चर्चा करते हैं शर्मिंदगी के ऊपर, मगर पहले वही गुजारिश करूंगी आप सबसे, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कृपया कर लीजिए, साथ में दोस्तों बेल आइकॉन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे। तो दोस्तों खंडेराव को अब हम इतना तो जान ही चुके हैं कि खंडेराव का स्वभाव उनके नियंत्रण में नहीं है। खंडेराव को कोई भी कैसे भी चला सकता है, सिर्फ उनको खंडेराव को थोड़ा भड़काना है, थोड़ा खंडेराव के हिसाब से बातें करनी है, तो खंडेराव से अपना काम भी निकलवा सकते हैं और किसी का काम बिगड़वा भी सकते हैं। तो ऐसा ही कुछ हुआ है इस स्थिति में। खंडेराव ने गुस्से में, अहंकार में, मैं ही मैं हूं, मेरी वजह से ही सब कुछ है, ये फैसला तो कर लिया कि मुहिम आधे में छोड़ के वापिस आ गए। मगर जब अपने बच्चे के सामने ये बात बोलनी पड़ी कि मैं तो आधी मुहिम पे वापिस आया हूं, मैंने तो अपना काम पूरा नहीं किया है, आपकी आई ने जीत दर्ज की है इसलिए उनकी जय जयकार हो रही है, मगर मैंने अपना काम पूरा नहीं किया है, मैं बीच में वापस आ गया हूं, ये बोलना बहुत कठिन लग रहा था उनके चेहरे को देख के। कठिन ही होगा दोस्तों, ये मैं भी कह सकती हूं, क्योंकि जब बंदा गुस्से में कोई फैसला लेता है और जब दिमाग ठंडा होता है और उसी बात को जब अपने ही बच्चे के सामने कहना पड़ता है कि मैं तो बेटा आधा अधूरा काम छोड़ के आ गया हूं, वो बहुत मुश्किल से मुंह से निकलता है, उसमें शर्मिंदगी होती है और बहुत सारी भावनाएं होती है जो खंडेराव के चेहरे पे दिखाई दे रही थी। अब इनको कैसे वो कवर अप करते हैं? इतना आसान नहीं होता है अपनी कमजोरी को एक्सेप्ट करना, और खास करके खंडेराव जैसे इंसान के लिए जो अपनी कमजोरी को समझने के बावजूद इग्नोर करते आ रहे हैं। और इसीलिए जब खंडेराव को मालेराव ये सवाल पूछता है तो वो जवाब में उसको कुछ और ही बताते हैं कि आप क्यों नहीं शामिल हुए। खैर वहां पे अहिल्या देवी का आना, और अहिल्या देवी के आने के बाद भी खंडेराव ने कोशिश की अपना चेहरा जो हाव भाव है उनको बदलने की, मगर वो शर्मिंदगी उनके चेहरे पे दिखाई दे रही थी। आप लोगों ने भी नोटिस किया होगा, क्योंकि जब अहिल्या देवी बताती है कि गांव के लोगों ने ये लड्डू भेजे हैं, उनका प्यार है, उनका आभार है, इसमें खिलौने भेजे हैं, तो एक और चीज यहाँ पे दिखती है खंडेराव को, जो हमें भी दिखी, मुझे भी दिखी, कि खंडेराव ये सोच रहे होंगे कि मैं तो खाली हाथ ही आ गया, ना तो मैं जीत लेके आया, ना ही मैं कोई उपहार लेके आया अपने बच्चों के लिए, तो मैं कहां से अच्छा पिता साबित हुआ। ये वो चीजें हैं जो हम उनके हाव भाव से पढ़ सकते हैं, क्योंकि खंडेराव बार बार ये बात कहते हैं कि मैं अच्छा पिता साबित होऊंगा, मगर यहां पे एक अच्छा पिता की एग्जाम्पल खंडेराव नहीं सेट कर पाए, इसलिए वो इस बात को कवर करने के लिए बार बार अहिल्या देवी की तारीफ कर रहे थे, जो जेन्युइन था मगर अंदर से नहीं आ रहा था, ये मुझे लगा कि वो कर रहे थे क्योंकि वहां पे वही करना है और वाकई में अहिल्या देवी तारीफ के काबिल है, मगर अंदर जो गुस्सा जो अहिल्या देवी के प्रति वो भरा हुआ है, जो खंडेराव को भी समझ में नहीं आ रहा है कि मेरी पत्नी है, मुझे क्यों ऐसा लग रहा है, मगर वो है, एक इंसानी फीलिंग है, जब हम कुछ नहीं कर पाते हैं, दूसरा कुछ ज्यादा कर जाता है, तो हम दूसरे को के ज्यादा करने को लेके अपने ऊपर हावी होने देते हैं, बल्कि हमें उससे बड़ी लकीर खींच के और आगे बढ़ना चाहिए और उसकी सराहना करनी चाहिए, मगर खंडेराव ऐसा नहीं कर पाए, इसलिए वो बार बार अहिल्या देवी की तारीफ कर रहे हैं, माले राव को समझा रहे हैं कि अपनी आई से ऐसा मत बोलो वैसा मत बोलो, और अंदर से उनको यही फील हो रहा है कि मैं तो कुछ नहीं कर पाया, मैं तो खाली हाथ वापिस आ गया। तो ये जो मिली जुली भावनाएं हैं दोस्तों, ये जो खंडेराव ने दिखाया है
अपने हाव भाव से, उनके हाव भाव और उनके डायलॉग बिल्कुल मैच नहीं कर रहे थे। तो ये एक अच्छी एक्टिंग का नतीजा तो है ही, बींग एन एक्टर जो खंडेराव को रोल प्ले कर रहे हैं। बट हम लोगों के लिए समझना बड़ा जरूरी है कि अंदर से कहीं ना कहीं खंडेराव शर्मिंदा है, मगर अपनी मिस्टेक को मानने को तैयार नहीं है। तो वही चीज दोस्तों, ट्रू टू योर सेल्फ वाली बात है कि अगर खंडेराव अपने आप सच बोलना शुरू करेंगे तो सारी चीजें अपने आप ठीक हो जाएंगी। तो ये मुझे लगा इस पूरे सीन से। आपका क्या कहना है इसके बारे में, कमेंट करके बताइएगा। देखते रहिए चैनल हंग्री स्पिरिट। थैंक यू सो मच। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.